What's up everyone, this is me Jazz and welcome to my channel Jazz Life. So English हुई काफी, अब वापस आ जाते हैं अपनी हिंदी पे. So guys, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने YouTube चैनल का जो कस्टम URL है उसको चेंज कर सकते हो. मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट अपने चैनल पे जहां पे मैंने आपको बताया था कि कैसे आप कस्टम URL को क्लेम करोगे. अगर इंटरेस्टेड हो सो कार्ट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हो उस वीडियो को. सो अगर आपने एक बारी अपना कस्टम URL क्लेम कर लिया है एंड अगर आप थोड़े टाइम के बाद अपना चैनल का नाम चेंज करते हो सो कस्टम URL भी आपको चेंज करना पड़ेगा. सो वो कैसे करोगे आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा. सो सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड वहां मैं आपको बताता हूं. सो गाइस, सबसे पहले आपको ओपन करना है अपना गूगल क्रोम, देन उसके बाद ओपन करना है यूट्यूब. ये सेम चीज आप कर सकते हो अपने मोबाइल फोन पे. आपको अपने मोबाइल फोन पे गूगल क्रोम ओपन करना है, देन उसके बाद टॉप राइट कॉर्नर पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके डेस्कटॉप व्यू पे टिक कर देना है. सो इस टाइप का आप यूट्यूब एक्सेस कर पाओगे अपने फोन पे. सो यहाँ पे यूट्यूब ओपन हो चुका है. अब आपको अपने चैनल आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से जाना है सेटिंग्स में. सो एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास URL जो है कस्टम URL वो ऑलरेडी सेटअप है. सो अब इसको चेंज करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपना नाम चेंज कर दिया चैनल का, सो आप इसको चेंज कैसे करोगे. सो यहाँ से आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, आप इसको डिलीट कर सकते हो. अब डिलीट कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ. सो यहाँ पे आप जाओगे अकाउंट पे, देन उसके बाद यहाँ पे आप एडिट ऑन गूगल पे करोगे क्लिक एंड आप यहाँ पे देख सकते हो अबाउट में यूट्यूब कस्टम URL. सो यहाँ से आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो लेकिन आप इसको डिलीट कर सकते हो. सो इस पे आप करोगे क्लिक एंड यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन है. सो आप इस पे रिमूव करोगे सो ये रिमूव हो जाएगा. एंड यहाँ पे और भी एक ईजी स्टेप है. सो अगेन मैं यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल ओपन करता हूँ. यहाँ से मैं जाऊँगा यूट्यूब स्टूडियो में, देन उसके बाद हमें आना है कस्टमाइजेशन के सेक्शन पे, देन उसके बाद बेसिक इन्फो एंड आप यहां पे देख सकते हो कस्टम URL हमारा सेट है. सो यहां से हम इसको डिलीट कर सकते हैं. सो आपके पास दोनों ऑप्शन है. ये एक इजी वे है, YouTube ने अभी इंप्लीमेंट किया है ये सेक्शन जो कि कस्टमाइजेशन का है. एंड यहां से आप जाके अगर डायरेक्टली इस पर डिलीट करोगे सो यहां पे अगेन सेम आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी. सो यहां पे अबाउट, देन उसके बाद यहां से हम इसको कर देते हैं रिमूव. एंड यहां पे जो आपका कस्टम URL है वो आप एक साल में सिर्फ 3 बार ही चेंज कर सकते हो, मतलब वो रिमूव करके उसको अगेन चेंज कर सकते हो. सो यहां पे इसको मैं कर देता हूं रिमूव. सो अब चलते हैं अपने चैनल पे, सेटिंग्स पे, चैनल, एडवांस सेटिंग्स, स्क्रॉल डाउन, मैनेज योर YouTube अकाउंट, एडवांस सेटिंग्स. सो यहां पे आप देख सकते हो जो हमारा कस्टम URL है वो अगेन यहां पे डिलीट हो चुका है एंड अगेन हम यहां पे क्लेम कर सकते हैं. अभी मैंने नाम चेंज नहीं करा है. अगर मैं अपने चैनल का नेम चेंज करता हूं उसके बाद मैं अगेन इसको यहां से कस्टम URL को चेंज कर सकता हूं. सो जल्दी से एक बारी मैं आपको करके दिखा देता हूं. सो ये है मेरा अकाउंट एंड यहां पे है नेम. सो जल्दी से मैं इसको चेंज करता हूं. यहां पे इंसोमनियक्स की जगह मैं कर लेता हूं एंगेज. सो यहां पे मेरा नेम चेंज हो चुका है एंड यहां पे अब मैं अगर कस्टम URL पे क्लिक करता हूं क्लेम इट हियर. सो आप यहां पे देख सकते हो यहां पे ये पुराना आ रहा है लेकिन नीचे आप देख सकते हो एंगेज स्टूडियोज लिखा हुआ आ रहा है. सो हम इसको करेंगे क्लिक एंड आप यहां पे देख सकते हो. सो हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये अवेलेबल है या नहीं. सो यहां पे करते हैं राइट टिक, उसके बाद चेंज URL. सो यहां पे इस नाम से ऑलरेडी किसी ने क्रिएट करा हुआ है. सो मैं नाम चेंज कर सकता हूं अगेन या यहां पे कोई भी आगे मैं वर्ड्स या फिर नंबर्स ऐड कर सकता हूं. सो ये रिकमेंड नहीं करूंगा मैं आपको. यहां पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो आपका चैनल का नेम है आप पहले उसको चेंज करो उसके बाद यहां से आप चेंज करो. सो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो. सो यहां से एक बारी हम चैनल का नेम फिर से चेंज कर लेते हैं सो दैट आपको क्लियरली पता चल जाए. सो यहाँ पे एंगेज स्टूडियोज करा था, एंगेज स्टूडियोज अभी अवेलेबल नहीं है. सो मैं कुछ इस टाइप का नाम लूंगा जो अवेलेबल हो. सो यहाँ पे कुछ भी नाम आप ले सकते हो. सो मेरे को कुछ ऐसा नाम लेना है जो अवेलेबल हो. सो मैं यहाँ पे कोई भी रेंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ. मैंने यहाँ पे कर दिया है FXY एंड सेव.
सो यहाँ पे FXY Studios आ चुका है. सो यहाँ पे अगेन हम जाएंगे अपने चैनल पे, देन उसके बाद मैनेज YouTube अकाउंट, देन उसके बाद एडवांस सेटिंग्स, एंड यहाँ से कस्टम URL. सो क्लेम इट हियर पे करेंगे क्लिक. सो आप ये देख सकते हो FXY Studios यहाँ पे अवेलेबल आई थिंक होना चाहिए. टिक मार्क चेंज URL. सो यहाँ पे ये अवेलेबल है, कंफर्म चॉइस. सो यहाँ पे जो हमारा कस्टम URL है वो हमने चेंज कर दिया है. सो चलते हैं YouTube Studio पे, कस्टमाइजेशन के ऑप्शन पे, बेसिक इन्फो. सो आप देख सकते हो ये हमारा कस्टम URL यहाँ पे चेंज हो चुका है. ये आप ऊपर एड्रेस बार में भी देख सकते हो. एंड यहां से भी आप इसको अगेन डिलीट कर सकते हो, एंड यहीं से आप इसको क्लेम भी कर सकते हो. आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आप अपना कस्टम URL चेंज करोगे, क्लेम नहीं चेंज करोगे. क्लेम वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर सकते हो. सो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी. सो वीडियो अच्छी लगी है सो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.